शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अधिराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बेला को उसका प्यार मिल गया और मुझे मेरा। इस सुनैना दासी ने काल कोसी से भागकर और आपका अपहरण करके बहुत बड़ा अपराध किया है राजा साहब। इसे दंड मिलना चाहिए, इसे कठोर दंड दीजिए। हम इसे किस बात का दंड दें मोहिनी? आज इसके कारण ही तो हमें सीख मिली है कि कोई भी निर्णय पक्ष के दोनों पहलुओं को अच्छे से सोच विचार कर उसको जांच करके लेना चाहिए। आज इसके कारण हमारे सर पर कलंक लगने से बचा है। हम इसे दंड कैसे दे सकते हैं? हम तुम्हें क्षमा करते हैं सुनैना। हाँ, और वैसे भी कल हमारा विवाह है और तुम दास दासियों को उपहार तो मिलना ही चाहिए, तो ये क्षमादान मेरे और राजा साहिब की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। अधिराज, चले, विवाह की तैयारियां बाकी है अभी। चले। मैंने इस पहेली को तो सुलझा दिया है, पर परी कहाँ है? आज तो तूने एक लड़की के सम्मान की रक्षा की है और उसे उसके प्रेम से मिलाया, किंतु तूने ये इसीलिए तो नहीं किया कि उसका विवाह अधिराज से ना हो पाए? नहीं, मैंने तो हृदय से उस लड़की का भला चाहा है। शायद इसलिए अंबे माँ ने भी मेरा भला किया। उस लड़की को उसका सच्चा प्रेम मिला और मुझे मेरा प्रेम। तुझे तेरा प्रेम अभी मिला कहाँ है? अभी तो तुझे पहेली के उत्तर देने हैं। चल बता उत्तर, ऐसा क्या है जिससे दुनिया के बड़े से बड़े अपराध का दंड भी आसान लगने लगता है? प्रायश्चित जो अधिराज ने किया और उस लड़के के घर वालों ने भी। कल सही मुहूर्त में विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। अब ये उतना आसान नहीं रहा। सुनैना ने एक पहेली और सुलझा ली है। इसका अर्थ है अधिराज को सुनैना के बारे में और भी बातें याद आ जाएंगी। ये यादें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बार बार सुनैना का चेहरा दिखाई दे रहा है। बार बार सुनैना का चेहरा क्यों? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में सुनैना के साथ हमारा कोई रिश्ता है? उत्तम, अति उत्तम। तूने तो तीसरी पहेली भी सुलझा दी। अब तू बस एक कदम दूर है अपने लक्ष्य से। तो बता दीजिए ना, अंतिम पहेली क्या है? समय बहुत कम है, कल विवाह है, उससे पहले मुझे अधिराज की आतिश वापस लानी है। अभी रात होने वाली है, जा घर जा। अंतिम पहेली तेरे पास जल्द ही पहुंच जाएगी। अधिराज का उस बेला के साथ विवाह रोकने के चक्कर में हम ये भूल ही गए कि सुनैना पहेली का उत्तर ढूंढ रही है। अब बस एक ही पहेली बाकी है।
अगर सुनैना ने उस पहेली का उत्तर भी ढूंढ लिया तो अधिराज की याददाश्त वापस आ जाएगी। एक तो अधिराज के हृदय से सुनैना के लिए प्रेम अभी तक खत्म नहीं हुआ, उस पर अगर अधिराज की याददाश्त वापस आ गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो बहुत बड़े तांत्रिक है ना, आप ही कुछ उपाय बताइए ना इस संकट से बाहर निकलने का। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, ये विवाह रुकना नहीं चाहिए। जो मुहूर्त कल है वो मुहूर्त फिर कई वर्षों बाद ही आएगा। नहीं, नहीं रुकेगा ये विवाह। विवाह होगा, हाँ ये विवाह होकर रहेगा, और सुनैना का सर्वनाश भी, वो भी अधिराज के हाथों से। अब कौन सी चाल चलने वाली है ये सर्प का? अधिराज, आप ठीक है ना? फिर से वही स्वप्न, वही यादें, वही दृश्य बार बार हमारे मस्तिष्क में घूम रही है, और इस सब में जिसकी झलक बार बार हमें दिखाई दे रही है वो सुनैना है। क्यों क्यों उसका चेहरा हमें बार बार दिखाई देता है? हमें समझ में नहीं आ रहा मोहिनी, क्यों? अधिराज आप शांत हो जाइए, आप भी औषधि पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। इसके मन को नियंत्रित करने के लिए ये विष देना बहुत अधिक जरूरी है। ये सब कुछ वो काली शक्ति कर रही है अधिराज, आप तो विश्वास करेंगे नहीं, पर मैं जानती हूँ इस सब के पीछे जरूर उस सुनैना का हाथ है, और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। आप चलिए मेरे साथ, आज उसका सच मैं आपके सामने ला कर रहूंगी। चलिए आइए अधिराज, आइए मेरे साथ। पर तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? उस काली शक्ति से जुड़े सबूत ढूंढने। अब रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, सुनैना ही जादू टोना कर रही है, इसी के कारण आपको ऐसे विचित्र स्वप्न आते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक काली शक्ति हूँ? ये सब सुनैना कर रही है? हाँ, अपनी आंखों से देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। ये देखिए, ये सब उसकी भोली भाली चेहरे के पीछे ये छलावा है। बिना सबूत के तो तुम मानते ही नहीं, इसलिए मुझे ये सब लाकर इसके कक्ष में रखना पड़ा। देखिए, आ गई काली शक्ति। ये सब क्या है? नाटक करने की आवश्यकता नहीं है सुनैना, और राजा साहब के सामने तुम्हारी सच्चाई आ चुकी है, और तुम्हें लज्जा नहीं आई अपने ही राजा पर काला जादू करते हुए? ये सारा सामान मेरा नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, ये सामान तुम्हारा नहीं है? ये सामान काला जादू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि ये सामान तुम्हारा नहीं है और तुमने काला जादू नहीं किया, तो ये सामान तुम्हारे कक्ष में क्या कर रहा है? राजा साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो स्वप्न में भी आपको क्षति पहुंचाने का सोच नहीं सकती हूँ। सैनिकों, बंदी बनाना उसे। ये दंड क्यों मिल रहा है मुझे, जबकि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है? तुमने छल किया है हमारे साथ, तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, तुमने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते अब। विश्वास कीजिए राजा साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। राजा साहब, मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। अब तुम्हारी बातों में कोई नहीं आने वाला है सुनैना, तुम दोषी हो, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। सुनो, इसे दरबार में पेश किया जाए।